लग रहा है। तो गाइस देखो मैं अपना लुक चेंज करी हूँ, अपना हेयर कलर चेंज करी हूँ, कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। मैं रेड कलर कर दी हूँ, कैसा लग रहा है कलर बताइएगा। अच्छा लग रहा है ना, कुछ ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ से धूप आ रहा है ना, इसलिए मेरे मतलब तो हेयर का कलर ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा ना मैं हेयर कलर करी हूँ, आज ब्राउन करी हूँ, बट यहाँ जो धूप आ रहा है ना इस पे, ये कलर पूरा ही टोटली मतलब लग रहा है रेड हो गया है। बट रेड भी अच्छा लगेगा करूंगी तो ना। मैं सोच चलो आज, अरे माय गॉड, और मैं सोच चलो थोड़ा सा हेयर कलर किया जाए, और कलर करी हो अच्छा लग रहा है। कभी कभार चेंज करना जरूरी हो जाता है। हेलो एवरीवन, कहो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस मैं अपना ब्लॉग ये स्टार्ट कर चुकी हूँ, और अब करूंगी तब करूंगी चक्कर में, आज सुबह से अभी मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ। सुबह से मैं सोच रही थी ब्लॉग ये स्टार्ट करूँ, बट नहीं हो पा रहा था। माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है ये देखो। आज ना मैं हेयर कलर की थी बहुत दिनों बाद, अक्टूबर या नवंबर टाइम में करी थी हेयर कलर, उसके बाद मैं अभी आज करी थी और काफी अच्छा लग रहा है। दिख नहीं रहा है बट अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, ज्यादा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, लग रहा है। लूज हो गया है। मैं सोच चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए, और वेदर भी काफी अच्छा है। काफी अच्छा लग रहा है अभी गोल्डन इवनिंग, तो मैं सोच चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए, और अभी उसमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ। काफी गर्मी लग रही है यार। बोल रही थी कि मैं बोली मम्मी कलर तो थोड़ा सा भी नहीं आया, कैसा लगेगा। यहाँ देखो थोड़ा बहुत आया है सब में, और मैं बोल रही थी मम्मी कलर तो थोड़ा सा भी नहीं आया, कैसा लगेगा। तो मम्मी बोली कि जब धूप आएगा ना तभी ये कलर आएगा, और सही में धूप पे ये कलर निखर के आया है। ये देखो यहाँ कुछ अजीब हो गया है ना, पता नहीं क्यों ऐसा। चलो कुछ नहीं कर रही हूँ तो अच्छा ही लगेगा। हम आगे लाइट पर बढ़िया लग रहा है, बट कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है क्या। जो भी हो करने का मन था कर दिए। सो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी बनेगा हलवा, क्योंकि मुझे भी हलवा खाना है, पापा को भी हलवा खाना है, तो मैं भी हलवा बनाऊंगी और बातें करूंगी आप लोगों से। थोड़ी सी गर्मी है बट टोटल थोड़ी सी हवा भी चल रही है, और धूप भी है तो काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं बनाऊंगी हलवा। हलवा बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए घी, तो इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगी। हलवा बनाने सबको आता है, फिर मैं बता रही हूँ। और थोड़ा सा ले रही हूँ मैं सूजी, क्योंकि मैं अभी सूजी का हलवा बनाऊंगी, तो घी डाल देती हूँ, अभी मैं सूजी डालूंगी। गाइज आप लोगों से जो मेरे चैनल पे न्यू हो, जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, तो मेरे ब्लॉग अगर थोड़ी सी पसंद आ रही हो या हेल्पफुल लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साइड में जो दिया हुआ बेल आइकन है ना उसको प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में जितना भी वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। निकाल पाऊंगी क्योंकि वो ना सबसे अंदर होगा शायद, लग रहा है मुझे।
बहुत गर्मी लगती है किचन में, खास करके ना कुछ ज्यादा ही गर्मी लगने लगता है यार। इसमें से बर्तन निकालना ना, मुझे ना एक जन जितने को बड़ा हुआ है, तो जन बड़ा हुआ है। ये देखो आंटी कहाँ गुजर देती है, इतना छोटा सा स्पून जब भी बोलती हूँ आंटी को बाहर करके रखो, वो इसी में डाल देती है और मुझे निकालना तो हो जाता है। ये सब जाएगा जब मुझे टाइम मिलेगा ना, तब ये बर्तन अपने जगह पे सेट होगा। अभी मैं हलवा खाऊंगी, उसके बाद कुछ करूंगी। मैं ये लेती हूँ। मुझे पीआर वाले बहुत सारे वीडियो पेंडिंग है और सबको कंप्लीट करना है और अप्रूवल के लिए भेजना है, तो मुझे अभी वीडियो बनाना होता है। तो आज मैं नहीं जाऊंगी, आज संडे है, थोड़ा आराम से वीडियो ये सब बनाऊंगी। आप घूम के आओ, तो वो फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हैं और अभी मैं करूंगी वेट क्लीन। पहले हलवा खाऊंगी तब वेट क्लीन करूंगी, क्योंकि ना संडे के दिन हालत खराब कर देते हैं यार। छुट्टी हुआ ना कि वेट का हालत खराब। मैं भी कोई कम नहीं हूँ वेट को गंदा करने में, पास हूँ मैं भी। अगर एक मतलब एक गंदा करता है ना, दूसरा कैसे पीछे रह सकता है, तो वही मैं भी पीछे नहीं रहती हूँ। आज सुबह से हम यही मस्त मतलब बोलते हैं रेस्ट कर रहे हैं, आज संडे था तो आज हम दोनों आराम से रेस्ट करे हैं, मतलब आराम से उठे हैं, खाए हैं, पिए हैं और यही गप्पे मारे हैं। तो और अब इस बेड को मैं क्लीन करूंगी, मुझे भी जाने का मन था बट इतनी टायर्ड हो गई थी ना कल, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ हो के आओ, क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लगता है कहीं, मतलब सैटरडे संडे होता है, दो दिन मिलता है, छुट्टी का दिन होता है, तो घूम के कहीं बाहर से आते हैं इधर उधर। तो बातें बाद में होगी, अभी मैं खाऊंगी हलवा, फिर मैं बेड को क्लीन करूंगी बहुत। तो थोड़ा फर्स्ट बाइट आप लोग टेस्ट करो, फिर मैं खाती हूँ। हलवा खाने के बाद चाय बनाऊंगी, फिर बेड क्लीन करूंगी। तो हलवा खाते टाइम है ना, मतलब कुछ भी खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, मैं बात नहीं करूंगी, हलवा फटाफट खाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से बातें करूंगा। टेस्ट करके बताइएगा आप लोग को हलवा कैसा लगा। ये देखो कितना सुनहरा सा वेदर हो गया है।
मम्मी कुछ ना कुछ काम करती रहती है, मैं इतनी आलसी हूँ, और मम्मी एक मिनट भी अपना टाइम ना इधर उधर नहीं करती है, मतलब थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना कुछ ना कुछ काम में लगी रहती है। मैं यहाँ से करूंगी लाइट ऑन, और ये पता नहीं क्या हो गया, इसको खराब हो गया है, स्विच लूज हो गया ना मम्मी। अरे यार क्या हो गया, ये आज नहीं चलेगा क्या? ये देखो ये फ्यूज भी हो जाएगा ना मम्मी। हाँ हो गया, इसको दिखाना पड़ेगा नहीं तो ये फ्यूज हो जाएगा। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बेचारा, इसमें याद में बैठ जाती है। इसका इसके जगह पे मैं हमेशा चाय पीती हूँ बैठ के। मम्मी बोलती है इसको भी चाय पिला दूँ, ये तो पीता ही है मेरे साथ। चलिए मैं पी लेती हूँ चाय। चाय पी के बात ताज तो नहीं है, रेड लेवल है, बट बात ताज का वो जो होता है ना वो आता है। आज जितना भी मास्क था ना मेरा, मम्मी का, इनका, सब में वॉश कर दी, सबको भी प्रेस करना है। मैं तो अपने बारे में करूंगी, मम्मी बोलती है मेरे बारे में प्रेस मत करो। मैं तो बिना प्रेस करे हुए ना मास्क पहनती हूँ ना कुछ पहनती, ड्रेस भी बिना प्रेस कर, हाँ प्रेस करूंगी तब पहनूंगी, प्रेस करके ना अच्छा बैठ जाता है, तो अभी मुझे मास्क में प्रेस करना है। हाँ छोट छी प्रेस करना है, उसके बाद फिर काम वाम लगे ही रहता है। मुझे रेस्ट करने का तो वेट क्लीन कर दू, थोड़ा बहुत मैं काम करूंगी उसके बाद जाऊंगी डिनर के लिए। वेट क्लीन करना ना सबसे टफ काम लगता है मुझे, इतना टाइम लग जाता है ना, क्योंकि सीट का बेड सीट का जो सेटिंग होता है ना सबसे घटिया लगता है मुझे वो, तो बहुत काफी अच्छा लगता है ना जब वेट क्लीन हो जाता है। तो संडे ऐसे ही होता है यार, सुबह से हम ऐसे ही लेजी पड़े रहते हैं बेड पे और क्लीन नहीं होता है, और अभी जाके संडे होता ही है, हर एक सैटरडे संडे ही हाल होता है मेरा, मतलब कब क्लीन करूँ ना समझ नहीं आते रहता है, तो शाम को ही मैक्सिमम क्लीन करती हूँ और आज भी शाम को ही टाइम मिला है। Shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? A ukulele discover a million stars. So, guys, आज मैं सब मास्क को वॉश कर दी थी। Go of all your fears and pride. Stand up beside.
गाइस मैं सारे काम खत्म करने के बाद आ गई हूँ स्टोरूम में, क्योंकि ना बहुत सारे ग्रोसरी थे जो खत्म हो गए थे, बहुत कुछ मिलाना था मुझे क्या है क्या नहीं उस सबको, क्योंकि 2-3 महीने से ऐसे ही चल रहा था, कुछ मिला मतलब लाती थी कुछ नहीं लाती थी, क्योंकि हम एक बार ऑर्डर कर देते हैं और आराम से चलते रहता है। तो इस महीने सब कुछ मैं खत्म कर दी थी कि अभी अब नेक्स्ट मंथ मंगवाना है, तो वो नेक्स्ट मंथ अब आ गया है, तो बहुत कुछ कम बचे हुए थे, तो उसे सबको मिलाती हूँ क्या बचा है क्या नहीं है, और उसके बाद मैं एक ग्रोसरी का लिस्ट बना लूँगी। तो 2-3 महीने से थोड़ा बहुत आ रहा था यार, ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन से पहले जो ऑर्डर करे थे ना वही सब चल रहा था अभी तक, बट आज फाइनली बहुत कुछ खत्म हो चुका है, तो उस सबको मैं इधर से इधर कर देती हूँ, जो कुछ है उस सबको माइनस करूँगी और जो नहीं है उसको लिस्ट में डाल दूंगी, तो वही सब कम काम कर रही हूँ, बहुत काम हो जाता है। तो चलिए मैं मिला देती हूँ, उसके बाद फिर बातें करती हूँ आप लोग से, उसके बाद फिर मुझे डिनर ही बनाना है। देखो इतनी गर्मी है, रात का नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट हवा भी पूरी मतलब पूरा से ही बंद हो रखा है। तो चलिए मैं अब इस ब्लॉग को अब यही एंड करती हूँ, और थोड़ा सा मुझे स्किन केयर करना है, डिनर करना है, और किचन क्लीन कर चुकी हूँ मैं, सब काम हो गया है, बस डिनर करना है और जो स्किन केयर है वो करना है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को अब यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग को अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अगर ब्लॉग पसंद आई होगी तो एक लाइक करके जाना, बाय, गुड नाइट।